करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है दूसरे पार्ट का शिल्प उत्पादन एवं उत्पादन केंद्रों की पहचान। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैला एक नियोजित शहर था। इसी के नजदीक एक और शहर है चंडीगढ़, जो मोहनजोदड़ो की अपेक्षा बहुत ही छोटा है, 7 हेक्टेयर में फैला हुआ एक शहर है। हम आज इस शहर को एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के थ्रू जानेंगे कि क्या वाकई में वहाँ पर शिल्प उत्पादन जैसे कार्य होते थे, या फिर हम कह सकते हैं कि शिल्पकारी जैसी चीज़ें होती थी वहाँ पर। विलासिता की वस्तुएं जो है क्या बनाई जाती थी। तो जानते हैं, अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो अलग अलग हम कह सकते हैं कि अपने प्रमुख प्रमुख जो है शिल्प कार्य वहाँ पर किए जाते थे, जैसे मन के बनाना, धातु कर्म, या फिर मुहरों का निर्माण करना, या फिर हम कह सकते हैं कि बाटों का निर्माण करना। ये इन प्रकार के क्रियाएं जो है वो चंडीगढ़ में की जाती थी। अगर हम वस्तुओं की बात करें, मनकों की बात करें, प्रमुख मनकों की बात करें, तो कार्नेलियन, स्फटिक, क्वार्ज, शंख, शीपी, ये सब भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर मनकों का भी निर्माण किया जा रहा था, मालाओं का भी निर्माण किया जा रहा था। धातुओं की बात करें तो तांबा, कांसा, या फिर हम कह सकते हैं सोने जैसे बहुत सारे ऐसे धातुओं के भी साक्ष्य मिले हैं। अगर हम इन शिल्पों को देखें, वहाँ से प्राप्त शिल्पों को देखें, या फिर ये कहें कि पुरातत्वों ने जो प्राप्त किया उन शिल्पों को देखें, तो उनके आकार में ज्यामिति है, जो है क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि एक बनावट थी। उनका आकार किसी का बेलाकार था, किसी का ढोलाकार था, किसी का गोलाकार था, चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार, तो अलग अलग प्रकार के वस्तुओं के आकार मिले हैं, मनकों के आकार देखने को मिले हैं। छोटी से छोटी मनकों का भी निर्माण किया जाता था शेल खड़ी नामक एक पत्थर के द्वारा, जो कि बहुत ही क्षणभंगुर होता है और बहुत ही कोमल पत्थर होता है। उसको तराश कर, उसको सांच कर जो है किसी भी आकार में बनाया जा सकता है। तो इतने छोटे छोटे मनके भी प्राप्त हुए हैं, जिनको आज तक ये समझा नहीं जा सका कि किस प्रकार से उन मनकों का निर्माण किया जाता होगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कि मनकों के निर्माण में शेल खड़ी पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इससे ये पता चलता है कि हो ना हो चंडीगढ़ एक ऐसा स्थान था जहां पर ये सारी वस्तुएं एक साथ प्राप्त हुई, एक छोटा सा स्थान जहां पर ये सारी वस्तुएं एक साथ देखने को मिली है। तो ये बात ये है कि ये तो हमें ये पता चला कि उस स्थान पर वो वस्तुएं पाई गई, लेकिन वो इन क्रियाओं का केंद्र था ये कैसे पता चला हमें। तो पुरातत्वविद जब खोज करने के लिए निकले और वो चंडीगढ़ पहुंचे, तो वहां पे इन मनकों, इन पत्थरों या इन धातुओं के तराशे हुए जो छोटे कण हैं वो प्राप्त हुए हैं। कुछ स्थानों पर जो है अलग अलग वस्तुएं जो अलग अलग क्षेत्र से लाए गए थे उनके भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे ओमान से लाया गया जो तांबे का साक्ष्य भी यहाँ पर मिला है। तो अगर देखा जाए पूर्ण रूप से, तो चंडीगढ़ सिर्फ और सिर्फ शिल्पकार केंद्र ही था, या शिल्प केंद्र ही था। इसकी पहचान के लिए अगर हम साक्ष्य की बात करें, तो पत्थरों की पूरा करकट या फिर अपूर्ण वस्तुएं जिन्हें बनाते हुए छोड़ दिया गया, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे औजार मिले जिनसे मनके बनाए जाते थे, इसके अलावा वस्तुओं को तराशने के बाद बचे हुए छोटे छोटे टुकड़ों के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हो ना हो मोहनजोदड़ो से ही इन वस्तुओं को ले जाया जाता होगा, वहां पर जो है शिल्पों का निर्माण किया जाता होगा, या फिर चंडीगढ़ से ही उन वस्तुओं का जो है शिल्प के रूप में, या फिर उन वस्तुओं का मनकों के रूप में निर्माण होने के बाद मोहनजोदड़ो लाया जाता होगा। तो इस प्रकार से जो उत्पादन केंद्र है और उसकी जो पहचान है
उसके रूप में चंडोदर जो है वो बहुत ही ज्यादा विकसित हुआ। तो यहाँ पर जो छठा टॉपिक है आपका इस लेसन का, उसमें है कि क्या हड़प्पाई संस्कृति का संपर्क सुदूर के क्षेत्रों के साथ था या नहीं। तो कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो ये बताते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का संपर्क जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों के साथ भी था। इसका अर्थ है कि वहां पर व्यापार जैसी चीजें भी की जाती होंगी। अब उसके अगर हम साक्ष्य के रूप में देखें तो कई वस्तुओं द्वारा हम जानते हैं कि वहां पर शिल्प उत्पादन होते थे हड़प्पा में, और उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उनकी अपनी एक अलग ही नीति थी। जिस वस्तु की बहुतायता या जो वस्तु ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो जिस क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में ये लोग अपनी बस्तियों को बसाते थे ताकि वहां से वो वस्तुएं प्राप्त की जा सके और मनकों का निर्माण किया जा सके। जैसे कि नागेश्वर या बालाकोट हम कहें तो वहां पर शंख जो है प्राप्त होता था, तो हड़प्पाई बस्तियां बालाकोट और नागेश्वर में भी प्राप्त हुए हैं। शोटू है की बात करें अफगानिस्तान, तो वहां पर लाजवर्ण जैसे जो नीले रंग का एक पत्थर था, वो पत्थर जो है प्राप्त किया जाता था शोटू घई से। लोथल जहां से कार्निलियन प्राप्त किया जाता था, एक लाल रंग का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक बेहतर जो है वस्तु या फिर मूल्यवान वस्तु जो है प्राप्त किया जाता था। इसके अलावा राजस्थान की बात करें हम तो यहाँ से सेल खड़ी और तांबा प्राप्त किया जाता था। इसके अलावा ओमान से भी तांबा प्राप्त किया जाता था। यहाँ पर मैंने मगान शब्द का प्रयोग किया है जो मेसोपोटामियाई संस्कृति में या अभिलेखों में इसका यूज किया गया है। तीसरी शताब्दी जो है शताब्दी ईसा पूर्व जो जितने भी लेख लिखे गए हैं उनमें मगान शब्द का प्रयोग है जो आज के ओमान को माना जा सकता है। तो यहाँ से भी तांबा प्राप्त होता था। अगर हम यहाँ गौर करें तांबा जो है ओमान से भी प्राप्त किया जाता था। ओमान के भी तांबे जो है मिले हैं हड़प्पा स्थल में, और राजस्थान के भी तांबे के साक्ष्य मिले हैं। गुणवत्ता में अंतर होने की वजह से, इनमें कुछ विशेष गुण होने की वजह से इन दोनों में अंतर किया जा सकता था, लेकिन ये दोनों वस्तुएं एक ही स्थान पर हड़प्पा स्थल पर प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये लोग उन दूर दराज के जगहों से भी स्थानों से भी वस्तुओं को मंगवाते होंगे। इसके अलावा जो है हड़प्पा का संपर्क जो है वो बहरीन, ओमान और मेसोपोटामिया से भी रहा होगा समुद्री मार्ग के द्वारा। ये आपस में समुद्री मार्ग से जुड़े हुए हैं, तो समुद्री मार्ग के द्वारा माना जा सकता है कि जो है इनका संबंध, इनका संपर्क उनके साथ रहा होगा। अगर हम बात करें संपर्क के साक्ष्य की, तो मेसोपोटामियाई सभ्यता में भी बहुत सारे ऐसे वस्तुएं मिली हैं जो जिनमें एक रूपता पाई जाती है जो हड़प्पाई स्थल पर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हड़प्पाई स्थल में जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनमें एक रूपता पाई जाती है जो वस्तुएं मेसोपोटामियाई सभ्यता के अंतर्गत जो है प्राप्त हुई है। तो इतनी दूरी के साथ होने के बावजूद भी इन दोनों के वस्तुओं में एक रूपता पाया जाना कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि ये लोग अलग अलग व्यापार या फिर व्यापारिक विधि द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे, या इनका संबंध जो है एक दूसरे के साथ इतनी दूरी तक रहा होगा। इसके अलावा कई सारे ऐसे वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिनका वो स्थान नहीं हो सकता है। जैसे अगर मैं शंख की बात करूँ या फिर शीपी की बात करूँ, तो समुद्री इलाके में या फिर नदी इलाके में या फिर नहर के इलाके में जो है वो प्राप्त किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्थान है जहाँ पर नहर या फिर समुद्र जो है ना होने के बावजूद या फिर नदी ना होने के बावजूद भी यहाँ पर शंख और शिपी के साक्ष्य मिले। इसका अर्थ है कि यहाँ पर वो वस्तुएं लाया जाता होगा व्यापारिक गतिविधि के द्वारा, और इस प्रकार से उन स्थानों के साथ भी संपर्क इनका रहा होगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर में जो टॉपिक है आपका मोहरे लिपि तथा बार, इन तीनों को अलग अलग करके बात जो हम जानेंगे कि मोहरों का क्या अर्थ है और किस रूप में इसका प्रयोग होता था, लिपि कैसे थी यहाँ पर, और यहाँ पर मापन प्रक्रिया बाटों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता था। सबसे पहले जानते हैं हम मोहरों के बारे में। अगर मोहर की बात करें तो मोहरे कहीं ना कहीं जो है व्यापारिक गतिविधियों से जो है जुड़े होंगे, या दूसरे देश जाने के लिए जो व्यापारिक गतिविधि की जाती थी, वस्तुओं को भेजा जाता होगा, इन भेजे जाने वाले वस्तुओं में इनका प्रयोग किया जाता होगा। एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि मोहरें किस प्रकार से व्यापारिक गतिविधि से जुड़ी थी और उनका प्रयोग किस रूप में किया जाता होगा।
यदि मान लें कि हमें कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है और उसके लिए एक जो है पोटली तैयार की गई है जिसे रस्सी द्वारा बांधा गया है। जहां रस्सी की गांठ है उस गांठ के ऊपर गीली मिट्टी को डाला जाता था और उस गीली मिट्टी पर एक चिन्ह, व्यापारिक चिन्ह जो है वहां पर बना दिया जाता था, उसे सुखाकर जो है रख दिया जाता था। फिर उन सामान को या फिर इस पुडली को आगे उन स्थानों तक भेजा जाता था जहां पर इसकी आवश्यकता है। उस स्थान पहुंचने तक यदि इस गांठ पर लगे हुए मिट्टी के टुकड़े टूटे हुए पाए जाते थे, इसका अर्थ है कि उन वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ की गई है, और अगर वो सही सलामत है इसका मतलब है कि इन वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो मोहरों का जो हम कह सकते हैं मोहरों की जो आवश्यकता थी या मोहरों का जो उपयोग था वो व्यापारिक गतिविधियों में किया जाता होगा इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं लिपियों की, तो हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि है या रहस्यमय लिपि थी क्योंकि आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। हालांकि इस लिपि में चित्रात्मक जो है चीज़ें भी मौजूद हैं जो शायद अनपढ़ लोगों के लिए जो है बनाया गया होगा ताकि वो आसानी से समझ सके, तो लेकिन फिर भी इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। कुछ ऐसे एक सबसे जो लंबी लेख है उसमें लगभग 26 चिन्ह प्राप्त हुए हैं, 26 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। हालांकि चिन्हों की संख्या मात्र इतनी ही नहीं थी, 26 चिन्हों की बात करें तो ये चिन्ह वर्णमाला के आधार पर भी स्वर या व्यंजन नहीं था, क्योंकि अगर हम चिन्हों की बात करें तो लगभग 375 से 400 चिन्ह जो है प्राप्त हुए हैं अलग अलग वस्तुओं पर, और शायद उससे ज्यादा भी जो है चिन्ह होंगे वो वस्तुएं जो आज तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो अगर लिपि की बात करें तो इस प्रकार की लिपि की जाती होगी। इसके अलावा अगर हम लिखावट देखें यहाँ की लिखावट की, तो आज की लिखावट में हम बाएं से दाएं ओर लिखते हैं, लेकिन उस समय की लिखावट को देखा जाए तो वो लोग दाएं से बाएं की ओर लिखते होंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे लेख हैं जिसमें ये देखा गया है कि दाहिने ओर कुछ आधार छोड़कर उन्होंने लिखना शुरू किया है, और ऐसा आज जो है हम बाईं ओर जो है एक मार्जिन लेते हैं और फिर लिखना आरंभ करते हैं। तो इसका अर्थ है कि वो लोग लिखने के लिए दाहिने से बाएं की ओर जो है यूज करते थे या फिर उसी प्रकार से लिखते थे। तो ये तो होगी बात लिपि की। अब बात करते हैं बाट की। मापन प्रक्रिया में बाटों का प्रयोग किया जाता था और इसका जो निर्माण है बाटों का वो चर्ट नामक पत्थर के माध्यम से किया जाता था। अगर हम जो है निचले आधार की बात करें तो जो है दो गुने के आधार पर बाटों का निर्माण किया गया था, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और इस प्रकार से 12,800 तक जो है ये मापन जो है गई हुई थी। इसके अलावा अगर हम ये हो गया आपका निचली आधार, अगर हम ऊपरी आधार की बात करें तो ऊपरी आधार में दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार से बाटों का प्रयोग जो है वो मापन प्रक्रिया में अलग अलग वस्तुओं को मापने में ये लोग किया करते थे। अब हम बात करेंगे इस लेसन का 8वां और 9वां टॉपिक, प्राचीन सत्ता और सभ्यता का अंत। इस 8वें टॉपिक से एक सवाल उठता है कि हड़प्पाई संस्कृति में क्या राजा महाराजा भी होते होंगे, क्या एक राजा हुआ करते थे या फिर कई सारे राजाओं के द्वारा मिलकर इस संस्कृति को चलाया जाता था। तो हम इसके बारे में जानते हैं, प्राचीन सत्ता के बारे में जानते हैं। चूंकि हड़प्पाई नगर या हड़प्पाई संस्कृति, अगर हम मोहनजोदड़ो को देखें, उसके नियोजन को देखें, उसके शहरी नियोजन को देखें, अगर हम ऊपरी शहर और निचले शहर का निर्माण देखें, उन शहरों को दीवारों से जो घेरा गया था वो देखें, इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर वस्तुओं की आवश्यकता अनुसार बस्तियों को बसाना एक साक्ष है वो देखें, इन सभी बातों से ये पता चलता है कि एक छोटे से संस्कृति के द्वारा या एक छोटे से सामाजिक समूह के द्वारा ये संभव नहीं हो सकता है।
इसका अर्थ है कि उसके नियोजन के लिए, उसके दिशा निर्देश के लिए कोई ना कोई एक संस्था थी या कोई एक व्यक्ति रहा होगा जिन्होंने जो है उन्हें दिशा निर्देश दिया होगा और इस बड़ी परियोजना का अंत जो है हुआ होगा या इस बड़ी परियोजना को पूरा किया होगा। अगर हम देखें ईंटों के माप को लेकर, द्वि आधारी माप को लेकर, तो हड़प्पा से लेकर गुजरात तक जो ईंटों का आकार है वो एक जैसा ही है, उसकी विधि एक जैसी ही है। तो ये एक रूपता भी इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक राजा जो है होंगे यहाँ पर जो इस बड़ी परियोजना या इस बड़े कार्य को जो है पूरा करते होंगे। इतने बड़े शहर के निर्माण में कई श्रमिकों का योगदान रहा होगा, इन श्रमिकों को दिशा निर्देश देने के लिए भी शासक रहे होंगे। इसके अलावा हड़प्पा में रहते हुए चंदूदर जैसे शिल्प केंद्रों को बनाना ये अपने आप में बताता है कि एक राजा नहीं कई सारे राजाओं द्वारा अलग अलग क्षेत्रों को जो है कंट्रोल किया जाता होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हड़प्पाई संस्कृति में राजा एक राजा नहीं अनेक राजा जो है रहे होंगे जो इस इन क्षेत्रों का निर्माण जिन्होंने किया होगा, इस संस्कृति को बनाया होगा। इसके अलावा पत्थर की प्राप्त मूर्तियां, एक मूर्ति जो है प्राप्त हुई है जिसे पुरोहित राजा के रूप में जो है नामांकित किया गया है, बताया गया है। इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर जो है राजा महाराजा जैसे जो है लोग भी रहते होंगे जिन्होंने निर्माण किया इस हड़प्पा संस्कृति का, जिन्होंने योजना अनुसार जिन्होंने जो है सूचीबद्ध या तरीके से जो है इस शहर का निर्माण किया था। अगर हम बात करें सभ्यता के अंत की, जो नवा टॉपिक है आपके इस लेसन का, दोनों टॉपिक को मैंने एक साथ ले लिया है। अगर हम बात करें सभ्यता के अंत की, तो कई सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो ये बताते हैं कि सभ्यता का अंत किस रूप में हुआ होगा। हालांकि ये सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता का अंत किस प्रकार जो है हुआ होगा। 1800 ईसा पूर्व में, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि 1800 ईसा पूर्व में संपूर्ण रूप से उन स्थानों को त्याग दिया गया लोगों के द्वारा जो हड़प्पाई संस्कृति की पहचान थे, जैसे चोलिस्तान, और इनको त्यागने के बाद नई बस्तियों का बसना, ये बताता है कि इन सब इस सभ्यता का अंत हो गया और वहां से लोग विस्थापित हो गए। नई बस्तियों में गुजरात और हरियाणा में नई नई बस्तियों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे भौतिक संस्कृतियों में भी बदलाव आया। शिल्प बंदोग शिल्पकार जो है उन्होंने शिल्प कार्य करना बंद कर दिया, जो है मनकों का निर्माण कम हो गया। इसके अलावा व्यापार का अंत हो गया, क्योंकि सारी वस्तुएं 1800 से पहले की हैं, उसके बाद के जो है व्यापारिक वस्तुओं के साक्ष्य बहुत ही कम मिले। इसका अर्थ है कि इन स्थानों में व्यापारिक गतिविधि भी बंद हो गई होगी, इसका अर्थ है कि वो संस्कृति समाप्त हो गई होगी। इसके अलावा सार्वजनिक संरचनाओं का बनना बंद हो गया। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो एक सार्वजनिक सांस्कृतिक या सार्वजनिक जो है हम कह सकते हैं वो एक संरचना थी, एक नियोजित शहर। तो ऐसे शहरों का बनना बंद हो जाना बताता है कि इस संस्कृति का अंत हो गया होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी साक्ष्य हैं, कुछ और भी साक्ष्य हैं जो ये बताते हैं कि इस संस्कृति का अंत हो गया, जैसे अलग देशों के द्वारा आक्रमण, या फिर चूंकि नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे बसे होने की वजह से हो सकता है कि बाढ़ आने की वजह से जो है इस सभ्यता का अंत हो गया हो, या हो सकता है कि सूखा पड़ने की वजह से यहाँ से लोग विस्थापित हो गए हों और इस सभ्यता का अंत हो गया हो। इसके अलावा जो है महामारी जो है अपने आप में एक बहुत ही रोचक तथ्य है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि होना हो जो है इस सभ्यता का अंत हो गया हो। तो अब हम जानते हैं इस सभ्यता की खोज के बारे में कि इस सभ्यता की खोज किस प्रकार से की गई और ये दुनिया के समक्ष किस प्रकार से जो है एक सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में सामने आया। तो भारत में तीन ऐसे पुरातत्वविद थे जिनके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे इस सभ्यता के बारे में। तो मैंने इस टॉपिक को तीन लोगों में या तीन पुरातत्वविदों में बांट रखा है, कनिंघम, जॉन मार्शल और आर्यन व्हीलर। जानेंगे इन तीनों के योगदान के बारे में और जानेंगे किस प्रकार से हड़प्पाई संस्कृति को खोजने में या ढूंढने में
जो है इन्होंने मदद की और इन इनके विचार हड़प्पाई संस्कृति को लेकर क्या क्या थे। तो सबसे पहले जानते हैं कनिंघम के बारे में। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में कनिंघम को भारतीय पुरातत्विक के प्रथम डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया और यहाँ आने के बाद उन्होंने चीनी यात्रियों के द्वारा जो अभिलेख छोड़े गए थे, जो स्रोत छोड़े गए थे, उन्हीं के माध्यम से जो है हड़प्पाई संस्कृति की खोज करनी शुरू की। हालांकि वो भारतीय संस्कृति को भी एक रूप में देखना चाहते थे, वो गंगा नदी घाटी सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे और इसके लिए इन्होंने ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म के 400 साल बाद तक के एक कालखंड को चुना। हम कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी तक के कालखंड को इन्होंने एक आधार बनाया और इन स्थानों से जितने भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उन सभी को इस कालखंड में जोड़ने की एक हम कह सकते हैं असंभव प्रयास किया इन्होंने उसी कालखंड में जोड़ने की। हालांकि इन्हें बहुत सारे ऐसे वस्तुएं मिली हैं जो इस कालखंड से बहुत पुराने हैं और हड़प्पाई संस्कृति से जुड़े हुए हो सकते थे। एक अंग्रेजी अधिकारी ने इन्हें एक मोहर प्रदान किया था जो लगभग हड़प्पाई संस्कृति से मेल खाता था या फिर लगभग 2600 ईसा पूर्व जो है पुराना वो कह सकते हैं कि वो मोहर थी। लेकिन फिर भी उन्होंने उस मोहर को ध्यान ना देकर उस मोहर को उन्होंने उसी कालखंड में जोड़ने की कोशिश की जिस कालखंड की वो खोज कर रहे थे। वो हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाए और कहीं ना कहीं उस मोहर को भी वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर और 4वीं शताब्दी जो है ईस्वी तक का ही उन्होंने माना। ये जो भ्रम था उनका उस मोहर को लेकर वो कहलाया कनिंघम का भ्रम। अब हम बात करते हैं जॉन मार्शल की। तो दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी कुछ ऐसे भारतीय पुरातत्वविद हुए हैं जिन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पाई जो है भारत में स्थलों की खोज की और उसके महत्व को समझा। 1924 में एसएन राव के द्वारा एक किताब लिखी गई द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इसमें उन्होंने जॉन मार्शल का भी उल्लेख किया है और उन्होंने बताया है कि जॉन मार्शल ने जितनी भी वस्तुओं को ढूंढा उसे उस समय से 3000 वर्ष पहले छोड़ा, अर्थात जितनी भी वस्तुओं को प्राप्त किया उसे हड़प्पा और मेसोपोटामिया से जोड़ने की कोशिश की और इस प्रयास में वो सफल भी हुए। जितनी भी वस्तुएं उन्होंने प्राप्त की हड़प्पाई स्थलों से, जब उसका सर्वेक्षण किया तो उन्होंने पाया कि इस स्थल की जो वस्तुएं हैं वो मेसोपोटामियाई संस्कृति से मेल खाते हैं और ये उतनी ही पुरानी है। इसका अर्थ है कि उन्होंने एक नई संस्कृति का खोज किया, उन्होंने नई संस्कृति की खोज की, एक नई सभ्यता की खोज की। इन्होंने इस खोज को आगे बढ़ाने के लिए क्षैतिज विन्यास के आधार पर मिट्टी की खुदाई शुरू की, अर्थात ऊपरी सतह पर इन्होंने ढूंढना शुरू किया और कई सारे ऐसे वस्तुओं को प्राप्त किया और उसका वर्गीकरण किया उसके कार्य के आधार पर, उसकी उपयोगिता के आधार पर। तो इस प्रकार से जॉन मार्शल का हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस नई सभ्यता की खोज की, उन्होंने हड़प्पाई महत्व को समझा, उन्होंने हमें ये बताया कि हड़प्पा जो है वो मेसोपोटामिया का समकालीन जो है संस्कृति है। इसके अलावा अगर हम आर्यन व्हीलर की बात करें तो 1944 में जो है इन्हें सर्वेक्षण जनरल नियुक्त किया गया था और इन्होंने जॉन मार्शल के क्षैतिज विन्यास को ठुकरा कर स्तर विन्यास के आधार पर चीज़ों को, वस्तुओं को ढूंढना शुरू किया, अर्थात उन्होंने गहराई में जाकर जो है वस्तुओं को निकालना शुरू किया और वस्तुओं का वर्गीकरण करना शुरू किया। इन्होंने ही सबसे सर्वप्रथम भारतीय स्थानों को हड़प्पा से जुड़ा हुआ बताया, जैसा कि मैंने लिखा है लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा और कई ऐसे जो है हम कह सकते हैं स्थान है जिसको उन्होंने हड़प्पाई सभ्यता का बताया। क्योंकि वो जब यहाँ आए थे तो सिंधु प्रदेश या फिर हड़प्पाई प्रदेश में
खोज करने की कोशिश की, लेकिन भारत के विभाजन के फलस्वरूप जो है उन्हें पाकिस्तान जाने का मौका नहीं मिला और उन्होंने गुजरात राजस्थान को ही एक आधार बनाकर, आधार मानकर जो है ढूंढना शुरू किया वस्तुओं को, और उसमें कामयाबी भी उन्हें मिली। और इसे पता चलता है कि भारतीय स्थापति हड़प्पाई संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने ही हड़प्पाई सभ्यता के अंत की पुष्टि की, या हड़प्पाई सभ्यता के अंत के बारे में जो जानकारी है वो इन्हीं के द्वारा दी गई। तो इस प्रकार से इन तीनों पुरातत्वों का अपना अपना अलग अलग जो है सहयोग रहा है हड़प्पाई संस्कृति को समझने में और हड़प्पाई संस्कृति के निर्माण में, या फिर भारतीय संस्कृति के साथ हड़प्पाई संस्कृति को जोड़ने में, या फिर गंगा नदी घाटी सभ्यता के साथ जो है हड़प्पाई संस्कृति को जोड़ने में इनका योगदान रहा है। इस प्रकार से ये टॉपिक आपका खत्म होता है। जानते हैं इस लेसन का अंतिम टॉपिक, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि किस प्रकार पुरातत्वों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था, कि आज की जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग और जो पुरानी वस्तुएं जो उन्हें प्राप्त हुई हैं हड़प्पाई स्थलों से उनका प्रयोग वो किस रूप में किया जाता होगा, किसी वस्तुओं का प्रयोग किस रूप में किया जाता होगा, तो या फिर उस समय की संस्कृति कैसी होगी, व्यापारिक स्थिति कैसी होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आज के साथ जोड़कर पूरा करने में उन्हें समस्या जो है उत्पन्न हुई। तो कुछ ऐसे प्रमुख समस्याएं हैं जिन्हें मैंने यहाँ पर लिखा है कि इन समस्याओं का सामना करना पड़ता था उन्हें अतीत से जो है जोड़कर आज को जो है पूरा करने में, या आज को देखने में उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो सबसे पहले लिपि, लिखावट एक ऐसी चीज़ है, या अभिलेख के जो स्रोत हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको पढ़ने के बाद हम उस सभ्यता के बारे में जान सकते हैं, उस संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अभिलेखों की और अभिलेखों से जानने की कोशिश करें, हड़प्पाई अभिलेखों से जानने की कोशिश करें, तो हम जानते हैं कि हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि थी जिसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। इसका अर्थ है कि किसी अभिलेख को पढ़कर उस संस्कृति को जान पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, और पुरातत्वविदों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम रहा है। इसके अलावा भौतिक अवशेष भी एक बहुत बड़ा कारण है उस समय को आज के साथ जोड़कर देखने का, क्योंकि उन वस्तुओं का प्रयोग किस रूप में किया जाता होगा, पाजामों के रूप में किया जाता होगा या फिर आभूषण बनाने के लिए किया जाता होगा, तो उन भौतिक अवशेषों को, जो टूटे फूटे भौतिक अवशेष हैं, जो हम कह सकते हैं कि बचे हुए अवशेष हैं, उनको एक पूर्ण रूप देना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम रहा होगा। तो आज की वस्तुओं के साथ तुलना करना उन भौतिक अवशेषों के साथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। इसके अलावा कोई पदार्थ किस कार्य में प्रयोग में लाया जाता होगा, चाहे वो तांबा हो या फिर जो है स्फटिक है, शंख है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा मिट्टी के बने हुए भी बर्तन हैं। इसके अलावा जो है फयांस के बारे में मैंने बात की, जो रेत से, रेत को घिस कर बनाया गया था, तो उन वस्तुओं का प्रयोग किस प्रकार किया जाता होगा, या किन वस्तुओं का किन कार्यों में प्रयोग किया जाता होगा, ये जानना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। इसके अलावा जो है कपास के साक्ष्य भी मिले हैं जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि उस समय लोग कपड़ों का प्रयोग करते थे अपने आप को ढकने के लिए, लेकिन एक मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसपे सिर्फ और सिर्फ आभूषणों से सजाया गया है और जिनपे जो है कॉटन के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो इससे ये भी हम कह सकते हैं कि शायद प्रयोग किया जाता हो या फिर नहीं भी किया जाता हो, तो कहीं ना कहीं एक अनुमान ही लगाया जाता था उस कॉटन से कि लोग जो है कपड़ों का प्रयोग करते थे अपने आप को ढकने के लिए। इसके अलावा पुरोहित राजा के भी साक्ष्य मिले हैं। मैंने बताया था कि एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे आभूषणों से रचा गया है, लेकिन सर पे जो है उसके ना मुकुट का कोई आवरण है या फिर ना कुछ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे ये पता चले कि वो राजा है, तो एक पुरोहित के रूप में जो है उसे बताया गया है, अनुष्ठान जो अनुष्ठान करते हैं उन पुरोहितों के रूप में बताया गया है। इससे ये पता नहीं चल पा रहा कि वो राजा है या फिर पुरोहित है, इसीलिए उनको एक नाम दे दिया गया है पुरोहित राजा। तो अपने आप में एक अनुमान लगाकर ही जो है पुरातत्वों ने इनका नाम रखा। इसके अलावा जो है कई सारे ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति हैं जिन्हें आज हम आद्य
शिव के रूप में जानते हैं, तो उसके साथ जोड़कर हमने देखने की कोशिश की। इसके अलावा जो है पत्थरों का शंक्वाकार होना, आज के अगर हम लिंग के शिवलिंग की बात करें तो उनका आकार जो है वो बेलनाकार होता है, लेकिन अगर हम उस समय के बात करें तो शंक्वाकार रूप के कई सारे ऐसे पत्थर मिले हैं, तो माना गया है कि वो शिवलिंग का ही एक रूप रहा होगा। लेकिन उन दोनों को जोड़ना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल का काम था। उन वस्तुओं को जोड़ना, उन वस्तुओं को के कार्यों के बारे में पता लगाना, या फिर कौन सी वस्तु किस कार्य में उपयोग में लाए जाते होंगे उसका पता लगाना, ये बातें पुरातत्वविदों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही मुश्किल का काम रहा होगा। इसलिए वो आज के समय को अतीत से जोड़ने में जो है कुछ हद तक सफल हुए और कुछ हद तक जो है असफल भी रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपका ये लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन भी बन गया था आपके बोर्ड के एग्जाम में कि अतीत को जोड़कर पूरा करने में किस प्रकार की समस्याएं जो है पुरातत्वविदों को के सामने आती है। तो इस प्रकार से लेसन आपका कंप्लीट होता है, पहला लेसन ईंटें मन की तथा अस्थियां। हालांकि इस लेसन को इतने कम शब्दों में समझाना या फिर इस लेसन को आधे घंटे के एक वीडियो में समझाना बहुत ही मुश्किल का काम है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी परियोजना है जैसा मैंने आपको कहा है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इन टॉपिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो लेसन है वो दोनों पार्ट के माध्यम से समझ में आया हो, और अगर ऐसा है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि ये आपको लेसन जो है किस रूप में समझ में आया, या फिर कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो रेज हुई हैं समझाने के वक्त, आप वो प्रश्न के रूप में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका हल जो है वो मैं आपको कमेंट के रूप में दे दूंगा। तो इस प्रकार से मैं ये लेसन जो है वो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।